हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं सॉफ्ट स्टार्टर की पावर वायरिंग कैसे करेंगे। दोस्तों, इसका कंट्रोल वायरिंग भी बताऊंगा और सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे रहिएगा। इससे पहले भी सॉफ्ट स्टार्टर का पावर वायरिंग कैसे करते हैं वो बताया था, पर इसमें कुछ डिफरेंस है और इस वीडियो में आपको ड्राइंग्स देख के बताऊंगा और ड्राइंग को ही दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। इससे जो पिछले वीडियो बनाया था वो ड्राइंग नहीं था, वो एक्चुअली आपको सेम पैनल का जैसे डिजाइन किया गया था वो दिखाया था लाइव में। यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और ड्राइंग के माध्यम से पूरे पॉइंट को समझिएगा। दोस्तों, उस वीडियो में और इस वीडियो में डिफरेंस है, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अभी वो जो आपको पैनल की जो वायरिंग कैसे किए थे सॉफ्ट स्टार्टर की, वो एबीबी कंपनी का सॉफ्ट स्टार्टर का, और ये जो है सीमेंस कंपनी का है। ठीक, इसमें आपको क्या क्या पॉइंट है, किस किस बातों को ध्यान देना पड़ता है, क्या ऐसे वायरिंग करते हैं, ये हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी पावर वायरिंग से। ठीक है, सॉफ्ट स्टार्टर का पावर वायरिंग कैसे करते हैं ये देख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सप्लाई आ रहा है। ये कहाँ से आ जाएगा, हमारा जो आपका बस बार होगा वहाँ से आएगा और ये आ जाएगा एमसीसीबी। कोई भी सर्किट ब्रेकर लगाएंगे उसमें ब्रेकर में आ जाएगा और उस ब्रेकर के बाद से हमारे पास देखिए ये बस बार के जैसा था, वो बीच में एक देख रहे हैं कि सीटी लगा हुआ है और ये सीटी के थ्रू में क्या है, एमिटर का कनेक्शन किया गया है और ये एमिटर इसलिए कनेक्ट किया गया है ताकि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो चेक करने के लिए। एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर के बाद से हमारा फ्यूज को कनेक्ट किया गया है और फ्यूज के बाद से हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए हैं सॉफ्ट स्टार्टर लगाते हैं। और सॉफ्ट स्टार्टर के बाद से देखिए कंटेक्टर को भी लगाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, ये सॉफ्ट स्टार्टर है ये कंटिन्यूअस हमारा मोटर्स को रन नहीं कराता है। ये क्या करता है कि कुछ सेकंड के लिए सॉफ्ट स्टार्टर के थ्रू हमारा मोटर्स रन करता है और जैसे ही रन स्टार्ट कर देता है, मतलब रन पकड़ लेता है, अपने फुल स्पीड में पहुंचता है, उस टाइम में क्या करता है, कंटेक्टर को बाईपास कर देता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपको ये सॉफ्ट स्टार्टर से ही कंटेक्टर कनेक्ट है डायरेक्टली। ठीक है, इसमें क्या होता है, थायरिस्टर लगा रहता है, वो मैं आपको जब लाइव उसका दिखाऊंगा उस सॉफ्ट स्टार्टर को उसमें आपको और भी क्लियर समझ में आएगा। इसमें तो सिर्फ वायरिंग है आपको, तो इसके अंदर का फंक्शन क्या होता है कि इसमें थायरिस्टर लगा रहता है। ठीक है, थायरिस्टर भी लगा रहता है तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास मोटर को सप्लाई मिलती है रन कराता है वो थायरिस्टर के थ्रू कराता है। फिर जैसे ही वो बाईपास करता है, बाईपास मीन्स अब क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्टली जो सॉफ्ट स्टार्टर से ना होकर डायरेक्टली कंटेक्टर से सप्लाई जाने लगता है, वो कंटेक्टर से रन कराने लगता है। उस कंडीशन में हमारा मोटर को फिर रन कराता है। मीन्स आपको पिछला वीडियो मैंने आपने मेरा देखा होगा जो सॉफ्ट स्टार्टर का मैं बनाया हूँ एबीबी कंपनी का, उसमें क्या है ना कि आपको एक कंटेक्टर उसमें भी लगा था तो मोटर का जो कनेक्शन था इस सॉफ्ट स्टार्टर से डायरेक्ट मोटर को कनेक्ट किया गया था और एक यहाँ से लेके फिर कनेक्ट बाईपास कर दिया गया था वो बाहर से, वो आपको फिजिकली दिख भी रहा होगा, दिखेगा भी, पर इसमें क्या है ना कि बाईपास जो होता है सॉफ्ट स्टार्टर से वो आपको नहीं दिखता है। आपको जब ड्राइंग देखेंगे तो उसमें आर फेस में आपको थायरिस्टर लगा रहता है और बी फेस में, और वाई फेस जो रहता है डायरेक्टली रहता है, उसमें थायरिस्टर नहीं लगा रहता है। मैं जब उसका आपको जब दिखाऊंगा पैनल के पास जाऊंगा और उसका जब वायरिंग में आपको बताऊंगा उस टाइम में वो आपको क्लियर से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद से ये कंटेक्टर के बाद से हमारा जो कनेक्ट होता है ये मोटर में कनेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा पावर वायरिंग था। ठीक है, अब इसका कंट्रोल वायरिंग भी है, कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, पर अगर इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कंट्रोल वायरिंग तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आपको पूरे समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं ये कंट्रोल वायरिंग जो है इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और उसमें आपको कंट्रोल वायरिंग एक वन बाय वन करके अच्छे से समझाऊंगा। इससे पहले इसका जो आपको पावर वायरिंग किया गया जो मैं आपको थायरिस्टर के बारे में बता रहा था
वो आपको पैनल के पास जाके मैं लाइव दिखाऊंगा इसका, कि देखिए उसमें सिंबल भी बनाया रहता है कि थायरिस्टर के क्या है, बाईपास कैसे किया गया है, कैसे ये रन कर रहा है। उस समय बहुत सारे इसमें इंडिकेशन भी होता है, वायर भी रहता है, एनो एनसी भी रहता है, वो सब चीज़ भी बताऊंगा। तो अभी आज के वीडियो में सिर्फ पावर वायरिंग रहेगा, और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसका पावर वायरिंग कैसे किया गया वो लाइव दिखाऊंगा, और उसके बाद से जो लाऊंगा वो कंट्रोल वायरिंग ड्रॉइंग पे समझाऊंगा, फिर जो वीडियो लाऊंगा उसमें आपको लाइव कंट्रोल वायरिंग भी दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।